हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल प्रेस टू कनाडा। गाइस थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और मोहब्बत बख्शने की। एज ऑलवेज मैं बोलता रहता हूँ आपको, फिर से स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका। काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे पर वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं कवर करने वाला हूँ एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन, बने रही अभी कवर करते हैं। गाइस एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशनल वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप सो आप बेहतरीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं भी अमेजिंग कर रहा हूँ। आप सबकी ब्लेसिंग्स और दुआएं हैं, मज़ेदार चल रही है लाइफ आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार मोहब्बत सपोर्ट बख्शने के लिए। तो आज की वीडियो कवर करने वाले हैं, आज हम अगर आप मूव करते हैं वाइट हॉर्स में हैं, अगर आप येलो नाइफ में, तो आपने अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, मैंने कैसे ढूंढी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बने रहिए पूरी वीडियो देखना और आज आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। पहली बात जो मैं कवर करना चाहता हूँ ये कि बहुत सारे लोगों में ये मुझे कमेंट कर रहे थे कि वाइट हॉर्स की पीएनपी बंद होगी, वाइट हॉर्स की पीएनपी बंद होगी। पर अगर आप उस चीज़ को ध्यान से देखें, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके चेक करें, मैंने वीडियो बनाई भी थी, बताया भी था कि वाइट हॉर्स की पीएनपी सिर्फ बंद हुई है। मतलब अगर आप वाइट हॉर्स के अंदर हैं तो आप पीएनपी नहीं लगा सकते। अगर आप किसी कम्युनिटी में हैं, आप किसी छोटे टाउन में हैं, चाहे वो हेज जंक्शन है, चाहे वो डॉसन सिटी है, चाहे और किसी छोटे स्मॉल टाउन में, आपकी पीएनपी एलिजिबल है एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके आप उनको कॉल भी कर सकते हैं और आप उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। हाँ, थोड़ा सा अकोमोडेशन से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये रहता है कि जिन्होंने पीएनपीस लगा दी हैं वाइट हॉर्स में रहते रहते, उनकी पीएनपीस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट जो आने वाली पीएनपीस है, मतलब दिसंबर तक, सॉरी नॉट दिसंबर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने बोला था कि एज़ पर द पब्लिक जो गाइडलाइन आई थी उनकी, उन्होंने बोला था कि हम 2025 में स्टार्ट करेंगे। 25 का मतलब मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी से स्टार्ट करेंगे ये दोबारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो मूव करना चाहते हैं किसी भी स्मॉल टाउन में या कहीं भी मूव करना चाहते हैं, तो ये एक गाइडलाइन की तौर पे आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। पर अपनी सर्च ज़रूर करिए, जो मैंने किया था मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो अभी कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं येलोनाइफ की। येलोनाइफ अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप का मन है येलोनाइफ जाने का, तो कैसे आप घर ढूंढ सकते हैं? तो पहला तरीका जो बहुत नॉर्मल है, जो लोग क्या करते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस से घर के लिस्टिंग देखते हैं। पहला तरीका जो कि एक नॉर्मल वे आउट है, जो आप कहीं भी मूव करते हैं, किसी भी प्रोविंस में जा रहे हैं, किसी भी टेरिटरी में जा रहे हैं, एक नॉर्मल सा तरीका, आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर आप लिस्टिंग करते हैं या ढूंढते हैं। मैंने भी बहुत सारे घर वहाँ पर था, तो मैंने ऐसे ढूंढे थे। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपना फर्स्ट घर कैसे ढूंढा था। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका जो लोगों को नहीं पता, जो कि बहुत ही अनकन्वेंशनल है, क्योंकि ये सिर्फ उसी टेरिटरी में ही वैलिड है, मतलब वहीं पर चलती है वेबसाइट, तो उसका नाम है वाईके ट्रेडर। वाईके ट्रेडर से आप घर ढूंढ सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल्स देख सकते हैं, आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एज अ क्लासीफाइड वेबसाइट है, तो आप उस पर जाके लिस्टिंग कर सकते हैं, लिस्टिंग देख सकते हैं। दूसरा तरीका, तीसरा इम्पॉर्टेंट तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है जो भी फेसबुक ग्रुप्स होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा लीड्स मिलती हैं इसके लिए। फेसबुक ग्रुप्स पे आप चेक करेंगे तो आपको पोस्टिंग मिल जाएंगी। मैं आपको आज ये भी बताऊँगा कि कितना एक वन बेडरूम हाउस का या सिंगल रूम का कितना करंट या किराया हो सकता है, वो भी बताऊँगा, वो भी कवर करता हूँ। तो ये बेसिकली तीन तरीके हैं जिसके हिसाब से आप चल सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, आपने अगर घर ढूंढना है येलोनाइफ में। तो पहला आ गया, आप मार्केट प्लेस पर जा सकते हैं। सेकंड, आप वाइकी ट्रेडर पर जा सकते हैं। थर्ड, आप फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू ढूंढ सकते हैं। जो मैंने ढूंढा था, अगर मैं येलोनाइफ रहा हूँ 2020 से लेकर 2022 तक, दो साल मैं रहा हूँ, तो मैंने जो घर ढूंढा था वो फेसबुक पोस्ट के थ्रू ही ढूंढा था। वहाँ पे ग्रुप्स में मेरा कोई भी नोन नहीं था, मेरे को कोई भी नहीं जानता था वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर घर ढूँढा खुद ब खुद। एक अपना पंजाबी इंडियन लड़का था, उसने पोस्ट डाली थी कि आई एम लुकिंग फॉर अ रूममेट, तो हम रूम शेयर करते थे एक स्मॉल सा, तो 500 मैं देता था, 500 वो देता था। ये बात है 2020 की फरवरी मार्च की। तो अगर मैं आज की डेट की बात करूं कि आज का रेंट क्या चल रहा है, तो लेटेस्ट देखा जाए तो अभी कवर करते हैं कि क्या क्या रेंट्स हैं। वाइट हॉर्स का भी बता दूंगा और येलोनाइफ का भी बता दूंगा। तो ये तरीके पहले आपको समझने चाहिए कि ये तरीके, हाँ याद रखना, जो वाइकी ट्रेडर वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में चलता है, वाइकी ट्रेडर वाइट हॉर्स में नहीं चलता।
वाइट हॉर्स में तो किजीजी भी है एक ऑप्शन, वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। जो मेन लीड्स आती हैं वो फेसबुक ग्रुप से आती हैं, जैसे इंडियंस इन येलो नाइफ है, इंडियंस इन कम्युनिटी इन वाइट हॉर्स है, यहाँ से आपको काफ़ी लीड्स मिल जाएंगी अगर आप मूव करना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि एक रूम का कितना रेंट होगा, या फिर किराया एक रूम का कितना है, पूरे हाउस का कितना किराया है। तो एज़ पर द नॉर्मल ट्रेंड अगर मैं बात करूँ, जितना किराया आपको एक ब्रैम्पटन, टोरंटो या फिर वैंकूवर सिटी में मिल जाता है एक सिंगल रूम का, उससे एटलीस्ट डबल तो आप लगा के चाहिए, डबल नहीं तो 1.5 टाइम्स इतना तो रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सरी की बात करूँ, सरी में अगर मैं एक सिंगल रूम की बात करूँ, 600 650 में एक सिंगल रूम, 700 मैक्सिमम में एक अच्छा रूम मिल जाता है। बट अगर मैं इसी रूम की बात करूँ, अगर आप येलो नाइफ जाना चाहते हैं, तो आपको आराम से $1,000 से लेके $1,500 पर मंथ दिया जाएगा एक सिंगल रूम का, नॉट इवन 1 BHK। 1 BHK और थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अगर मैं पूरे हाउस की बात करूँ, एक पूरा हाउस कितने का रहेगा, वो 3,000-3,500 तक का रहेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो येलो नाइफ वाइट हाउस है वो एक ऐसी सिटीज़ है जो थोड़ा सा नॉर्थ में है, और इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव देयर, थोड़ा एक्सपेंसिव हर चीज़ में, जैसे हीटिंग है और जो भी यूटिलिटीज़ हैं थोड़ी एक्सपेंसिव रहती हैं, इसकी वजह से इवन की ग्रॉसरीज, सो बहुत सारी चीज़ें अगर हम कैलकुलेट करें तो हर चीज़ एक्सपेंसिव है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीज़, तो इसीलिए वहाँ पे हर चीज़ महंगी है और रेंट भी ज़्यादा रहेगा। ये है आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो गाइस, होप सो आपको मज़ा आता है मेरे कंटेंट देखने में। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी चैनल नहीं भी सब्सक्राइब किया, बिकॉज मैं चेक करता हूँ स्टैट्स तो 99% लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, पर कोई बात नहीं, किसी को कुछ डायरेक्शन मिलती है, हेल्पफुल वीडियोज़ बन जाती है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए रेस्टो कनाडा के साथ, ऐसे ही आपको हेल्प करते रहेंगे वीडियोस के थ्रू, ऐसे ही आपका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे वीडियोस के थ्रू, ऐसे ही आपको गाइड करते रहेंगे वीडियोस के थ्रू। फिर से स्वागत करेंगे नेक्स्ट टाइम आपके साथ ट्रेल्स टू कनाडा में। मैं आपको और थोड़ी सी जर्नी कवर करूंगा कि व्हाइट हाउस में मैंने क्या क्या किया, येलो नाइफ में मैंने क्या क्या किया, अलग किसी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर कभी बात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।